वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग एक निबंध पढ़ेंगे, है ना? मैं आप लोगों को एक निबंध पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं निबंध पढ़ाऊँ, आपके क्लास में मेरा ये फर्स्ट क्लास है ना? तो शायद आप मुझे नहीं जानते हैं नाम से, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैं अपना परिचय पहले दे दूं। मेरा नाम राजीव कुमार दास है। मैं राजीव सर हूं। आप लोगों को आज निबंध पढ़ाऊंगा। निबंध है आपका हमारा विद्यालय, है ना? हमारा विद्यालय पर आज आप लोगों को निबंध लिखना है। मैंने निबंध लिखा है, आप लोग बोर्ड से देखिए, कॉपी कीजिए। साथ में मैं इसे समझा रहा हूँ, समझिए भी, है ना। हमारे विद्यालय का नाम आवासीय द्रोण प्रेप पब्लिक स्कूल है। कोई पूछेगा, बच्चों बताइए आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो क्या बताएंगे? बच्चों बताइएगा कि सर, मैं आवासीय द्रोण पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। लड़का रहेगा तो पढ़ता हूँ, और लड़की रहेगी तो पढ़ती हूँ, है ना? यह मुजफ्फरपुर में स्थित है। हमारा विद्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? मुजफ्फरपुर में है ना, मेन टाउन में, है ना? यह एक आदर्श विद्यालय है। हम लोगों का विद्यालय आदर्श विद्यालय है। माने आदर्श विद्यालय बच्चों उसे कहते हैं जिस विद्यालय में अनुशासन हो, आधुनिक सुविधाएं हो, पढ़ाई अच्छी हो, रिजल्ट अच्छा हो, टीचर मन लगा के पढ़ते हो, छात्रों का परेशानी को दूर किया जाता हो, है ना? जिसका रिजल्ट प्रति वर्ष अच्छा हो, ऐसे विद्यालय आदर्श विद्यालय में गिनती में आते हैं। तो हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, है ना? यहाँ नर्सरी से कक्षा 10 तक पढ़ाई होती है। कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। ठीक है, हमारे स्कूल में सैनिक स्कूल, रामकृष्ण मिशन, वनस्थली इत्यादि स्थानों में नामांकन के लिए उच्च कोटि की तैयारी कराई जाती है ना बच्चों? हमारे विद्यालय में रामकृष्ण मिशन, है ना, सैनिक स्कूल, वनस्थले इत्यादि संस्थानों में नामांकन के लिए यानी कि एडमिशन के लिए उच्च कोटि की तैयारी कराई जाती है, है ना? यह स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। हम लोगों का जो स्कूल है बच्चों, सभी सुविधाओं से युक्त है। बच्चों को क्लास में गर्मी नहीं लगे, इसलिए प्रत्येक क्लास में कम से कम 5 या 6 पंखे हैं। बच्चों को बैठने में दिक्कत नहीं हो, पर्याप्त बेंच डेस्क हैं, बोर्ड है, अच्छा खासा बोर्ड है, जिससे बच्चों को लिखावट साफ सुथरा नजर आए, योग्य टीचर हैं,
योग्य अनुभवी टीचर हैं जो बच्चों को उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, है ना। बच्चों के सभी असुविधाओं को, सभी कठिनाई को दूर करते हैं। हमारे स्कूल का रिजल्ट प्रति वर्ष बहुत अच्छा होता है। हमारे स्कूल का रिजल्ट प्रति वर्ष बहुत अच्छा होता है। यहाँ लगभग 1500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यहाँ लगभग 1500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उस पढ़ते हैं। स्कूल के सभी शिक्षक योग्य एवं छात्रों काफी मन से पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल के सभी शिक्षक योग्य हैं और बच्चों को काफी मन से पढ़ाते हैं। छात्रों को स्कूल में पढ़ाई संबंधी सभी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। छात्रों को छात्रों को स्कूल में पढ़ाई संबंधी सभी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। हमारे स्कूल में छात्रों का किसी तरह का परेशानी नहीं हो, किसी तरह का परेशानी नहीं हो पढ़ाई से संबंधित। उनके परेशानी को हमेशा दूर किया जाता है, है ना। हमारा विद्यालय मुझे बहुत प्यारा है, हमारा विद्यालय मुझे बहुत प्यारा है। आपको अपना विद्यालय प्यारा है, है ना। इस तरह से बच्चों, मैंने आप लोगों को हमारा विद्यालय पर निबंध लिख कर बोर्ड पर मैंने लिखा है। आप लोग यहाँ से उतारिए, है ना, और फिर इसे फेयर करेंगे और लगे हाथ इसे याद करेंगे ताकि एग्जाम में जब हमारा विद्यालय पर निबंध लिखने के लिए आए तो किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं हो और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ऐसी मेरी कामना है, है ना। ये तभी संभव है जब आप इसे सही से फेयर करेंगे, लगे हाथ इसे याद भी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स The study of today's study is over, class over, because time over. So we shall meet again in the next class. It means by tomorrow. Till then, take care yourself. Have a nice day. Goodbye.